नमस्कार, एमपी न्यूज़कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर के कुछ खास खबरों के साथ। बुरहानपुर जिले की जनपद पंचायत खकनार के अंतर्गत आने वाले ग्राम शेखापुर में लगा है 2 दिन का लॉकडाउन। शुक्रवार जिला प्रशासन के राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की पूरी टीम प्लेगमार्च पर निकली। गुरुवार शाम को कलेक्टर द्वारा खकनार क्षेत्र के ग्राम शेखापुर में 2 दिन का लॉकडाउन की घोषणा होते ही गांव की कमान संभालते हुए तहसीलदार संजय वाघमारे ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम के साथ गांव में फ्लैग मार्च किया। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी के द्वारा भी नियमों का उल्लंघन नहीं किए जाने की समझाइश दी गई और चौक चौराहों में पुलिस जवानों के द्वारा आवागमन करने वाले लोगों को रोककर मास्क लगाने एवं नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं शुक्रवार सुबह 11 बजे जिला प्रशासन के राजस्व एवं पुलिस प्रशासन की पूरी टीम प्लेगमार्च पर निकली। इसी तरह गांव में मुनादी कर कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के समय से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। मुनादी में लोगों से अपील किया कि लॉकडाउन में परिवार को सुरक्षित रखने और सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का अपील किया। एमपी न्यूज कास्ट बुरहानपुर, महेंद्र मालवीय की रिपोर्ट। में मजदूरी करने गए थे तो उसके लिए क्या है? जहाँ तक कि अभी कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो मोहनगढ़ में अभी कोई पॉजिटिव निकल के नहीं आया, लेकिन एहतियातन तौर पर हम लोगों ने वहाँ पर फीवर क्लिनिक स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि महाराष्ट्र से आने वाले रास्तों की बात करें तो उस पर भी हमारा जो है फोर्स लगा हुआ है, तो किसी प्रकार की आवाजाही है वो हम लोगों ने रोक दी है और फीवर क्लिनिक चल रहा है। फीवर क्लिनिक में अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आया कि कोई उसमें केस पॉजिटिव पाया गया। और 3 दिन बाद जैसे आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार होली आता है, तो इसके लिए क्या प्रशासन व्यवस्था कर रहा है पूरे क्षेत्र के लिए? पूरे क्षेत्र में अभी तो यही चल रहा है कि अपने घर में ही लोग त्यौहार मनाए अपना होली का, और किसी प्रकार की कोई बड़ा फंक्शन या गैदरिंग ना हो और ना ही कोई मेला आयोजित करें। जैसा कि भगोरिया की बात करें तो भगोरिया भी हम लोगों ने इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। उसी तरह होली के त्यौहार पर भी हम लोगों का यही सभी से निवेदन है, आग्रह भी किया हम लोगों ने कि अपने घरों में ही मनाएं और अपने परिवार के साथ ही मनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।